हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सुमन शर्मा आपका स्वागत करती हूं अपने न्यू ब्लॉग सुमन शर्मास ब्लॉग में। तो देखिए, मैंने ले लिया है गुड़, और इस गुड़ को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और इसे हम पानी में मिला लेंगे। इससे हम बनाएंगे पुए, और इन्हें हम गुलगुले भी बोलते हैं। तो चलिए बनाते हैं पुए। देखिए, इस तरीके से मैंने आधे घंटे पहले गुड़ को पानी में भिगो दिया था, और अब इसके अंदर मैं आटा मिक्स कर रही हूँ। और अगर आप मेज़रमेंट करके बनाएं तो आप एक कटोरी अगर आटा लेते हैं तो उसमें आधी कटोरी के करीब आपको गुड़ का पानी लेना होगा। और इस तरीके से इसके लम्स को अच्छी तरीके से फेंटते हुए इसके जो लम्स हैं उनको मार लेंगे, और एक डायरेक्शन में चलाते रहेंगे। देखिए, अच्छी तरीके से इनको चलाना है ताकि ये जो लम्स हैं वो अच्छी तरीके से मर जाएँ। खाली हमें ये जो गुड़ का जो पानी है उसी में इसको मिक्स करना है, ऊपर से हमें अलग पानी नहीं डालना है इसमें। और जिस तरीके से हम पकौड़े बनाते हैं जैसे बेसन घोल के, उसी तरीके से और थोड़ा सा गाढ़ी कंसिस्टेंसी हम तैयार कर लेंगे। साथ ही साथ रख देते हैं कढ़ाई। तो देखिए, मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, और अब इसमें हम डाल देते हैं एक चम्मच के करीब, एक दो चम्मच के करीब सौंफ। सौंफ डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें आप चाहें तो अगर आपके पास कोला है, नारियल है, वो भी डाल सकते हैं, या नारियल का जो बुरादा है वो डाल लेंगे। तो मैं वही डाल रही हूँ, देखिए, तो इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं। अगर हम इसको बैटर को थोड़ा पतला करते तो इसी से हम मालपुआ बना सकते थे, लेकिन ये हम बना रहे हैं पुए जैसे कि पकौड़ी बनती है उसी शेप में, थोड़े छोटे छोटे से। इनको अच्छे तरीके से कर लेते हैं मिक्स, और इनको हम एकदम पहले गैस फुल करेंगे ताकि तेल गर्म हो जाए, और जब हम इन्हें बनाएंगे तो ये गैस को सिम कर लेंगे, क्योंकि इसमें है गुड़, और जो गुड़ है वो बहुत जल्दी से मतलब ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, बहुत जल्दी से सिक जाते हैं। तो इसलिए हमको इसको मीडियम या मीडियम टू लो गैस पे हम इसे बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं पुए या गुलगुले, गुलगुले भी कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो चलिए बनाते हैं गुलगुले। देखिए, बैटर इस तरीके से तैयार हो चुका है, और उधर कढ़ाई भी गर्म हो गई है। तो एक एक करके इसमें हम डालते हैं अपने पुए। देखिए, इस तरीके से जितने भी छोटे बड़े, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े लेना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप डाल लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी सिक जाते हैं। मैंने गैस को बिल्कुल धीरे कर रखा है, लेकिन फिर भी क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी मतलब आग पकड़ लेता है, तो इसलिए हमें इन्हें मीडियम गैस पे पकाना है एकदम धीरे धीरे, ताकि ये अंदर से भी पक जाएं, कच्चे ना रहें। और कढ़ाई में डालने के बाद, ये देखिए, हम कितने भी कम डाल लें, आधी चम्मच के करीब में डाल दें तो फूल के वो बड़े हो जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो अगर आपका अगर मीठा खाने का भी कभी मन हो तो आप ये अच्छी तरीके से ये डिश ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वाद बनते हैं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं और अच्छे लगते हैं खाने में। तो हमारे यहाँ होती है होई माता, हम उनको इसी से पूछते हैं। तो इस तरीके से देखिए, लेकिन बहुत ही जल्दी से ये लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गुड़ है वो बहुत जल्दी से जल जाता है। तो मैं बिल्कुल धीरे गैस पे इन्हें पका रही हूँ, फिर भी इनका जो कलर है वो एकदम आप देख सकते हैं कि ब्राउनिश हो गया है। तो इनको पलटते हुए पका लेंगे अच्छी तरीके से। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही पास से, देखिए कितने अच्छे से हमारे पुए बन के रेडी होने जा रहे हैं। इनको अच्छी तरीके से पका लेना ताकि अंदर तक पक जाए। और अगर हम इन्हें बना के रख देते हैं तो ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होते, और जो गुड़ है वो हमें नुकसान भी नहीं करता। गुड़ जैसे चीनी का तो फिर भी ये रहता है कि सब शुगर फ्री खाते हैं, तो गुड़ जो होता है वो शुगर फ्री ही होता है। तो अगर आप कभी कभी मीठा खाने का मन हो तो आप इस तरीके से गुलगुले या पुए बना सकते हैं। गैस पे बना रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी रेड हो रहे हैं, तो इस तरीके से हम सारे बना लेते हैं। तो दोस्तों, देखिए कितने अच्छे से हमारे ये गुलगुले, जिन्हें की गुलगुले भी कहते हैं, पुए भी कहते हैं, हमारे तैयार हो गए हैं। तो हम थोड़ा सा और पतला कर लेते तो इसी उससे बैटर से हम मालपुआ बना सकते थे, वो भी मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे, इनको आपको पकड़ के देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट है। देखिए थोड़ा गर्म है तो इसलिए देखिए एकदम बहुत ही ज़्यादा
थोड़े से ठंडा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म है ना। ये देखिए एकदम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हमारे गुलगुले। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने बनाए पुए और गुलगुले। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।